हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ श्वेता और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने घर में जो हमारे अप्लायंस होते हैं, जैसे फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो गया, डिस्क वॉशर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, अवन हो गया, इनको हम बाहर से कैसे क्लीन रखें। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करूँगी, बस घरेलू कुछ टिप्स है जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं कुछ केमिकल ये सब नहीं यूज कर रही हूँ, तो यही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी ग्लव्स लगा ली हूँ और ये जो स्प्रे बनाई हूँ मैं, ये बेसिकली विनेगर और डिश लिक्विड और वाटर का मैं सोल्यूशन बनाई हूँ और इसको एक स्प्रे बॉटल में भर के और इसमें इस तरह से बाहर से हम स्प्रे करके और ये जो लिंट फ्री वाला जो क्लोथ होते हैं उनसे हम इसको क्लीन करेंगे, जिससे कि ये जो हमारे कपड़े के जो रेशे होते हैं ये इस पर ना पड़े और ये आसानी से क्लीन होते हैं। जब आप एक बार क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये विनेगर के कारण जो हमारे फ्रिज पे दाग धब्बे होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएंगे। और उसके साथ ही एक सूखा कपड़ा ले लेंगे, उससे हम क्लीन कर देंगे अगर वेट रहा तो। अगर वेट नहीं है तो ये इसी से क्लीन हो जाता है। तो मैं अपने फ्रिज को इस तरह से ही बाहर से साफ़ रखती हूँ अंदर से, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं किचन में हमेशा हमें कुछ ना कुछ फ्रिज से ज़रूरत होता ही है निकालने का। फ्रिज हो गया, डिस्क वॉशर हो गया या फिर हमारा माइक्रोवेव हो गया, अंदर से हम इसे कितना भी क्लीन रखें अगर बाहर से क्लीन ना हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दाग धब्बे जो होते हैं वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। और जब हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बटर की ज़रूरत हो तो हम इसमें निकालने जाते हैं तो वो आटा का जो स्टेन होता है उस पर लग जाता है। या फिर हम खाना बना रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ का तेल का ऑयल का स्टेन इस पर पड़ा रहता है तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वंस इन अ वाइल, लाइक वीकली और महीने में एक बार भी आप इस तरह से बाहर से अपने फ्रिज को क्लीन रखेंगे तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल 5 मिनट का काम होता है। तो बेसिकली मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बाहर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई के स्केड्यूल से जब भी मुझे टाइम निकलता है मुझे लगता है मेरा फ्रिज गंदा हो रहा है तो मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा फ्रिज बाहर से तो क्लीन हो गया, अभी चलते हैं माइक्रोवेव के अंदर क्लीन करने का, क्योंकि जब भी हम इसमें कुछ भी गर्म चीज़, हम बेसिकली हम खाना ही गर्म करते हैं इसमें, मैं तो कुछ भी नहीं बनाती। मैं अपने माइक्रोवेव में थोड़ा बहुत 5 या 10 सेकेंड के लिए गर्म करना होता है तभी मैं माइक्रोवेव यूज करती हूँ, ज़्यादा मैं माइक्रोवेव नहीं यूज करती। इसमें मैं कभी कुछ भी खाना नहीं बनाती हूँ। तो ये बस है घर में के एक अप्लायंस है तो इसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसमें ज़्यादातर अगर चाय ठंडी हो गई तो वही गर्म करते हैं, दूध ठंडा हो गया तो वो गर्म करते हैं। तो यही मैं विनेगर वाला जो स्प्रे होता है उसको मैं कपड़े में ही पहले स्प्रे करके फिर अंदर से क्लीन कर दी। उस तरह से ये देखिए हमारे बाहर से अच्छी तरह से क्लीन हो गया। तो अभी चलते हैं डिस्क वॉशर क्लीन करने के लिए बाहर की तरफ से। तो डिस्क वॉशर में हम सारा बर्तन डालते हैं डेली, ये हमारा हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है और हमेशा ये साफ़ अंदर से तो होता है, बाहर से भी साफ करना होता है, क्योंकि जब भी इतने बार हम बर्तन डालते हैं निकालते हैं और फिर डिस्क वॉशर को लोड अनलोड करो तो इसके ऊपर भी दाग धब्बे पड़ते हैं और ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादा दिन हो जाए तो वो काफ़ी स्टेन हो जाता है और जल्दी निकलता नहीं है। तो इसी तरह से मैं भी इसको भी कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी से, अब एक महीने में एक बार या फिर 2 हफ्ते में भी अगर टाइम मिल गया तो मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा डिस्क वॉशर क्लीन करने के बाद मैं इसको माइक्रोवेव के बाहर क्लीन कर रही हूँ उसी वाले स्प्रे से, और ये जो लिंट फ्री वाला जो क्लोथ होते हैं उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। अवन मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं था तो मैं अंदर में उसे कुछ भी साफ़ नहीं कर रही हूँ और बाहर से ही मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ग्लास होते हैं ग्लास पे भी काफ़ी दाग धब्बे हो गए थे। ये जैसे आप जब भी खोलो या कुछ करो पानी वानी के दाग धब्बे पड़ जाते हैं। माइक्रोवेव में मैं कुछ रखती हूँ तो उसे कुछ ड्रिप हुआ रखते समय तो वो इस पर दाग पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको सभी चीज़ सभी अप्लायंस को इसी लिक्विड से साफ़ की हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से और बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। तो अभी देखिए मेरा सारा अप्लायंस आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से काफ़ी बढ़िया से क्लीन हो गया, इस पर कुछ भी दाग धब्बे नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में जब हमारा घर साफ़ हो, किचन साफ़ हो, हमारे घर के जो अप्लायंस है वो साफ़ हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इसी तरह से ये छोटी छोटी हैबिट ऐड करने से हमारा काम इजी हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए क्लीनिंग रूटीन और नए ब्लॉग के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।